हरियाणा में सबसे तेज व सटीक जानकारी बिंदास हरियाणा के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं दीपेंद्र हुड्डा के आवास पे। जी हाँ, यही वो आवास है, यही वो हुड्डा साहब की कोठी है जहां पर टिकट के दावेदारों का, टिकटार्थियों का तांता लगा हुआ है। हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि अब की बार ये टिकट मेरी है। 2500 से ज़्यादा टिकट के दावेदार है। वहीं अगर हम बात करें नरवाना विधानसभा क्षेत्र की, तो नरवाना विधानसभा क्षेत्र में 44 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से ताल ठोके हुए हैं। हर कोई ये चाहता है कि अब की बार टिकट मुझे मिले और मैं विधानसभा में जरूर जाऊँ, नरवाना का विकास करूं, नरवाना की जनता की आवाज उठाऊं। उसी कड़ी में अगर हम बात करें एक शख्स जो आप अभी हमारे साथ देख रहे हैं, संजीव जी हैं। संजीव जी भी नरवाना विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। संजीव जी, क्या लगता है, 44 की संख्या बहुत ज्यादा है, कहाँ स्टैंड करते हैं आप? 44 की संख्या ज्यादा क्यों है साथी, कहीं कहीं 78 भी हैं जी, तो हमारे 44 तो बहुत कम है। और अच्छा है, लोग अपने हक की बात उठाते हैं और लोग जागरूक हैं, वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। हमें खुशी है इस बात की, हमारे इलाके में राजनीतिक तौर पर लोग भागीदारी अपना भाग्य अपना जमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं जी। और पाने की क्या, पाने का तो इलाके का अपना अधिकार है, किसी को चुनने का पार्टी का आदेश जिसको होगा उसको अपना इलाका चुन के आगे भेजेगा। वही संजीव जी, अगर हम बात करें टिकट की रेस की, तो आप अपने आप को उस रेस में कहाँ पाते हैं? देखो, रेस में तो सभी अपने आप को एक नंबर पर ही पाते हैं, दो नंबर पे कभी होता नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, हमारा इलाका 2009 में रिजर्व हुआ था जी। और 2009 से ही मैं प्रयासरत हूँ, 2009 में, 2014 में, 2019 में, हर बार मेरे को आश्वासन अच्छा था, कहीं ना कहीं ऐन मौके पर हमारा टिकट कटता गया, लेकिन हमने पार्टी का ना दामन छोड़ा, अच्छे वक्त में भी बुरे वक्त में भी आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं और अपने इलाके के लोगों की समस्याओं के साथ खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है, दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा के द्वार पे आने से टिकट मिलेगी या सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी? देखो, किसी के द्वार पर जाने से टिकट नहीं बनती मिलती, कार्यकर्ता का अपना दम, उसका काम और उसकी कार्यशैली ही उसका टिकट के लिए दावेदार बनाती है। तो फिर यहाँ क्यों आए हैं दिल्ली दरबार में आप? दिल्ली दरबार में काम तो यहीं से चलेगा, दिल्ली दरबार AICC है, दिल्ली दरबार में हमारे नेतागण बैठे, नेता हमारे पास थोड़े आएंगे, इतना बिजी शेड्यूल इनका, हमें ही आना पड़ेगा। नहीं, अभी तो आप बोल रहे थे कि किसी की कोठी पे जाने से टिकट थोड़ी मिलती। किसी की कोठी पे जाने से टिकट ऐसे थोड़ी मिलती, कोई भी आके टिकट मांग ले, जिसने जमीनी स्तर पे को काम किया वही अपनी आवाज उठा सकता है जी। वहीं अगर हम बात करें नरवाना विधानसभा क्षेत्र की, तो बड़े बड़े टिकट के दावेदार अब की बार आपके विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमा सकते हैं। वही अशोक तंवर भी को भी बोला जा रहा, हालांकि उनकी तरफ से मना किया गया है। वहीं पवार साहब का भी नाम आ रहा है, बड़े बड़े नेताओं के नाम अब की बार आपके विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से भी आ रहे हैं जी। बिल्कुल, मैं एक नरवाना का पहले मतदाता होने के लिए सबका स्वागत करता हूँ जी। प्रजातंत्र, लोकतंत्र, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी, कोई भी अगर चुनाव लड़ सकता है जी, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपना चुनाव देखूंगा, उनका थोड़े देखूंगा जी। आप एक बात बताइए, आप विधायक क्यों बनना चाहते हैं? गले में इतनी मोटी सोने की चैन है, तमाम सुख सुविधाएं आपके पास है, और माल कमाना है? माल ये किसी की कमाई का नहीं, अपनी मेहनत का है। सरकार हरियाणा प्रदेश में जब हुड्डा साहब की सरकार थी, मैं हुड्डा साहब के आशीर्वाद से अपने इलाके में का विकास करवाया, इलाके की रोजगार की बात है, पंचायतों में ग्रांटों की बात है, सीवर नाली पानी की व्यवस्था की बात है, स्वास्थ्य की बात है, हमने हर मुद्दे उठाने का चैन भाई कोई किसी को नहीं भरा, तो अपनी मेहनत की कमाई से पे नहीं पड़ती है जी, अपना मछलियों का काम है। मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है, सारा परिवार गवर्नमेंट जॉब में है, किसी की चाय भी नहीं पीते आज तक। 150 भाई हाँ नरवाना में हल्के में नौकरी लगवा दी, जिन्होंने आज तक दीपेंद्र हुड्डा की कोठी का भी नहीं पता। यही तो वजह है, बीजेपी वाले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि कांग्रेस में पर्ची चलती है, खर्ची चलती है। कोई पर्ची चलती नहीं, कोई खर्ची चलती नहीं, जो जितना कर्मठ कार्यकर्ता होता है उसकी उतनी ही आवाज़ को सुना जाता है। और पर्ची खर्चियाँ तो इन्हीं की सरकार में थी, इन्हीं के HPCC के में करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं, पेपर लीक का घोटाला, और हमारी जो यात्रा चल रही है भाई साहब की हरियाणा मांगे हिसाब, वो किस लिए, इनसे हिसाब मांगने के लिए नहीं, हरियाणा की जनता के जो आपने ठगने का काम किया है जी। आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, अपराध में हरियाणा नंबर एक हो गया, और हमारे जो बच्चे, मैं खुद दलित समाज से आता हूँ, हमारे बच्चों का वजीफा की लूट खसोट हुई, 100 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ, हमारे बच्चों के वजीफे बंद कर दिए, हमारे बच्चों को मिड डे मील का जो खाना मिलता था उसकी क्वालिटी घट गई, तो क्या क्या बातें बताई। हमारे हुड्डा साहब की जब सरकार थी, 4 लाख के करीब 100 गज के प्लाट दिए, उन्होंने 1 इंच का भी प्लाट किसी साथी को दिया, तो हरियाणा में आके कह दे हम बीजेपी की वाह वाह करने को भी तैयार हैं। कितने बेचारे बुजुर्गों की पेंशन काटने का इन्होंने काम किया, तो ये किस नाम के आधार पर वोट मांग रहे हैं? जाति के आधार पर वोट नहीं, हरियाणा की जनता पहले थी, देसी भाषा में हम कहते थे भोली भाली, लेकिन अब जनता बहुत समझदार हो चुकी है, जनता के हाथ में ताकत आ गई है, संविधान की ताकत को सबका पता लग गया है, तो अब जनता अपने विवेक से
और काम करती है और अपना नुमाइंदा चुनने का काम करती है। तो संजीव की सेटिंग की अगर हम बात करें तो संजीव की सेटिंग कहाँ तक पहुँची है? संजीव की कोई सेटिंग नहीं, संजीव की सेटिंग उसके कार्यकर्ता साथी हैं और नेताओं का और पूरी कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद है जी। तो क्या लगता है अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप हाथ के साथ को मजबूत करते हुए विधानसभा में जा पाएंगे? पार्टी ने हमें मौका भी नहीं दिया, फिर भी हमने 15 साल से अपने इलाके में हाथ का साथ को बहुत मजबूत किया है। अपने किसी भी साथी को एहसास नहीं होने दिया कि राज नहीं है तो तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। आशीर्वाद नेताओं का रहा है, लीडरशिप का आशीर्वाद रहा है, किसी भी साथी को आज तक ये महसूस नहीं होने दिया कि राज में ही काम